चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें कि अब सरकार सख्ती से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसेगी। भूमाफियाओं पर धामी सरकार अब सख्त रवैया अपनाएगी। हालांकि पहले भी सरकार इस तरह के कई एक्शन ले चुकी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी, हालांकि ऐसे एक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, इस बार क्या खास होने वाला है? देखिए, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक होम स्टे योजना चला रही है, ऑनलाइन इसके रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और दिनों दिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जो एक आम इंसान है वो अपने घर में होम स्टे योजना के तहत अपने आवास का, अपने मकान का, अपने घर का रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसके लिए सरकार उसको प्रमोशन भी करती है, उसका प्रमोट भी करती है। और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक घर जैसा वातावरण उपलब्ध हो जाता है। तो तमाम ऐसे युवा हैं जो इस योजना के तहत जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ इस तरीके की भी जानकारी आई कि होम स्टे योजना के तहत सरकार की आंखों में धूल झोंकने का कुछ भूमाफिया जो है वो कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार को जब ये मामला सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने और इस पर सख्ती बरतते हुए इनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक नीति बनाने की बात कही है। और इसी नीति की हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो होम स्टे योजना के तहत जो ये पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए योजना चल रही, इसमें खासतौर पर अवैध कब्जे पर आधारित मकान न हो, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इसकी जो है पूरी एक नीति तैयार की जा रही है, जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने भी कहा कि सरकार जो अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोग हैं, जो कब्जा कर दूसरों के नाम पर दस्तावेज तैयार करने वाले हैं, या फिर जो जमीनें हैं उन जमीनों की फर्जी दस्तावेज तैयार करने के साथ साथ दूसरों को फर्जी तरीके से बेच देते हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के सरकार पहले भी एक्शन ले चुकी है एक विशेष अभियान के तहत, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि जब होम स्टे योजना पर भी सरकार का फोकस होने लगा है तो अवैध रूप से जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया है, जहां पर अवैध रूप से कब्जे किए गए, इनको हटाने के लिए सरकार इस मुहिम को इस योजना के तहत ला सकती है। तो अब देखना होगा कि ये जो योजना सरकार लाने जा रही है इसका स्वरूप कैसा होगा, और भूमाफियाओं का जो ये लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को सरकार कैसे तोड़ पाएगी और आने वाले समय में किस तरह से सरकारी भूमि पर जो कब्जे हो रखे हैं उनको कब्जों से मुक्त करा पाएगी। बिल्कुल, बने रही सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें कि देहरादून में सरकारी भूमाफी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार कई तरह के एक्शन ले चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही भूमाफिया पर धामी सरकार की ओर से एक्शन दिया गया, उसके बाद कुछ दिन बाद एक बार फिर उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन देखने वाली बात होगी इन सभी मुसीबतों से सरकार कैसे निपटारा करेगी और कब्जे वालों को अब किस तरह से सख्त जो रवैया है वो सरकार और प्रशासन की ओर से दिखाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भूमाफियाओं के जो हौसले बुलंद है वो दोबारा ना हो।